साथियों जय हिंद जय हिंद। साथियों एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जो आज के वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि जब आप जंप की तैयारी करते हैं, चाहे वो लॉन्ग जंप की बात की जाए चाहे हाई जंप की बात की जाए, तो उसको बनाने के लिए मतलब उसको परफेक्ट रूप से बनाने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपका जो लॉन्ग जंप है वो 9 फीट 10 फीट जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है, और आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस में जैसा कि आप जानते हैं 14 फुट आपका लॉन्ग जंप मांगा गया है, और हाई जंप की बात की जाए तो वो 4 फुट मांगा गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है यदि अभी तक आपने पहले कभी जंप की तैयारी नहीं की है। तब तो आप सिंपली से यही एक्सरसाइज करिए जिससे कि आपकी जो जंप रहेगी वो भी पूरे तरीके से परफेक्ट रूप से आपकी जितने भी आपकी क्राइटेरिया में मांगी गई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो साथियों निश्चित ही यदि यही एक्सरसाइज आप एक हफ्ते दो हफ्ते तक करेंगे तो उसके बाद आप जंप लगाएंगे तो आप 15 फुट बड़ी आराम से जा सकते हैं, और जो लॉन्ग जो हाई जंप रहेगी वो भी आप आसानी से 4 से 4.5 फीट की आप हाई जंप लगा पाएंगे। तो साथियों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपको जंप लगाना है तो जंप की ही तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब आपको एक्सरसाइज में भी जंप लगाना पड़ेगा। किस तरीके से आप जंप लगाएंगे वो देखिए। तो साथियों जो आपको जंप लगानी है वो जंप किस तरीके से लगाना है, आपके जो दोनों घुटने हैं ये आपके चेस्ट से टच करें जब आप जंप लगाएं। ठीक है, ये जंप आपको 10 से 12 में आप रेपिटेशन बना के लगा सकते हैं। किस तरीके से लगाना है वो देखिएगा। आपका जो ये घुटना रहेगा ये आपके चेस्ट में छुएगा, जिस तरीके से ये कर रहा है उसी तरीके से आपको भी करना है। ठीक है, इस तरीके से करने से आपकी जो हाई जंप रहेगी वो पूरे तरीके से निकलने लगेगी। ठीक है, अब साथियों इसी में दूसरी एक्सरसाइज क्या रहने वाली है, दूसरे साथियों आपको जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, वो भी आपकी हाई जंप और साथ ही साथ आपकी लॉन्ग जंप से बिलोंगिंग है। ठीक है, तो आपको जो जंप लगानी है दूसरी वो किस तरीके से लगानी है वो आप देखिएगा। आपके जो पैर रहेंगे, ठीक है, वो लगभग यहाँ तक आएँ, जो आपका ये वाला हिस्सा है ये यहाँ पे टच करें, इससे आपके जो पैर रहेंगे उसकी मसल्स जो होगी वो मजबूत हो जाएगी और आपकी जो जंप रहेगी वो भी पूरी तरीके से आने लगेगी। देखिएगा आपके पैर कहाँ तक जाएँ ये आप ध्यान रखिएगा। आप कितनी ऊँची जंप लगाते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपका जो पैर है, ठीक है, जो आपका ये वाला हिस्सा है वो यहाँ पर टच करे पीछे। ठीक है, अब तीसरी एक्सरसाइज और लास्ट जो एक्सरसाइज रहने वाली है वो लॉन्ग जंप के लिए है। ठीक है, वो किस तरीके से वो आप आगे के वीडियो में देखेगा। और साथियों जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि उनको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथियों चलिए तीसरी एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं। चालू हुआ है? तो साथियों जो आपको तीसरी एक्सरसाइज करनी है वो किस तरीके से करना है, आप जहाँ पर जंप आप लगा रहे हैं, जहाँ जंप की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल से आपको बिना रनिंग की हुए जंप लेना है, जिससे कि आपके जब रनिंग के बाद जंप लेंगे उसका जो स्टेमिना रहेगा और जो उसकी स्पीड रहेगी बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाली है। आपको वो वाली जंप की तैयारी, वो वाली जंप की एक्सरसाइज किस तरीके से करना है वो देखिएगा। आपको सिंपल आके खड़ा हो जाना है और वहीं एक जगह से जंप लेना है, वो किस तरीके से वो देखिएगा। सिर्फ इस तरीके से बिना रनिंग के हुए आना है और आपको जंप लेना है। ठीक है, इससे आपका जो जंप लेने का तरीका रहेगा वो भी इंक्रीज होगा धीरे धीरे। तो साथियों यही एक्सरसाइज रही, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।